दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा टीएस इलियट की एक बहुत ही लंबी सी पोयम, लंबी का मतलब लगभग 434 लाइनों की एक पोयम, द वेस्टलैंड। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम्स इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम थी। और इसी के साथ साथ मॉडर्न पोएट्री में एक सेंट्रल वर्क भी है ये पोयम। 1922 में इसको पब्लिश करवाया गया और बेसिकली इसको पांच पार्ट्स में बांट रखा है। बकायदा पांच पार्ट्स के आपको टाइटल भी मिलेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट का नाम है द बेरियल ऑफ द डेड, यानी कि इसको हिंदी में बोलूं तो मुर्दे को दफनाना, BURIAL, बेरियल का मतलब होता है दफनाना। सेकेंड पार्ट है अ गेम ऑफ चेस, मतलब कि एक शतरंज का खेल। द थर्ड पार्ट इज द फायर सर्मन, यहां पे ये जो शब्द है SERMON, सर्मन का मतलब होता है उपदेश देना, किसी को उपदेश, जैसे भगवान बुद्ध के उपदेश होते थे। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये टाइटल टीएस इलियट ने भगवान बुद्ध के उपदेश से ही उठाया है। जी हां, जब भगवान बुद्ध ने अपने एक उपदेश में कहा था द वर्ल्ड इज ऑन फायर, कि दुनिया ईर्ष्या की या कह लो जलन की आग में जल रही है, द वर्ल्ड इज ऑन फायर, तो यहां से ये द फायर सर्मन ये टाइटल निकल करके आया है। द फोर्थ पार्ट इज डेथ बाय वाटर, और फिफ्थ यानी कि आखिरी पार्ट का टाइटल है व्हाट द थंडर सेड। तो दोस्तों इन पांच पार्ट्स में द वेस्टलैंड को बांटा गया है। अब यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है द बेरियल ऑफ द डेड, इसकी मैं कुछ शुरुआती लाइनें उठाता हूं। हां, तो ये पोएम की शुरुआती कुछ 18 लाइनें हैं। पार्ट फर्स्ट हमारा चल रहा है द बेरियल ऑफ द डेड, और इस वीडियो का मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं इन 18 लाइनों को ढंग से समझा सकूं कि इलियट इन 18 लाइनों में हमसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं वेस्टलैंड का मतलब, द वेस्टलैंड का मतलब मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, अब बता रहा हूं। वेस्टलैंड का यहां पर मतलब है जो मॉडर्न सोसाइटी है यानी मॉडर्न वर्ल्ड, इसी को ही टीएस इलियट ने यहां पर वेस्टलैंड कहा है। अब क्यों कहा है ये पोयम पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो फर्स्ट 18 लाइंस में पॉइंट हमें क्या कहता है, इस पोयम की शुरुआत ही अप्रैल के मंथ से होती है, अप्रैल के मंथ से होती है, यानी वो महीना जो अपने साथ स्प्रिंग के सीजन को लेके आता है, यानी अच्छी बात है स्प्रिंग के सीजन को लाता। लेकिन यहां पे हमारे पॉइंट पहली ही लाइन में अप्रैल के मंथ को क्रूर और निर्दयी बता देते हैं, और इसकी वजह भी यह है कि वो अपने साथ स्प्रिंग को लाता है, और वही स्प्रिंग का सीजन विंटर के टाइम पे जो नेचर मरा हुआ सा रहता है उसमें जान भर देता है। विंटर के टाइम पे जो प्लांट्स की जड़ें होती है, पेड़ पौधों की जड़ें, रूट्स वगैरह होती है, वो बर्फ से ढकी हुई रहती है, और स्प्रिंग का सीजन आते ही वो खिलने लगती है। अब आप ये बोलोगे ये तो अच्छी बात है, स्प्रिंग तो अच्छा ही कर रही है, अपने साथ नई रीबर्थ यानी कि नए जीवन को लेकर आ रही है, नई जिंदगी को लेकर आ रही है। लेकिन टीएस इलियट ये बोलता है कि वेस्टलैंड के जो लोग हैं, मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको स्प्रिंग अच्छी नहीं लगती, उनको तो विंटर ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि स्प्रिंग का जो सीजन है वो पास्ट और फ्यूचर को यूनाइट करता है। पास्ट मतलब जो मर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है उसको यूनाइट करता है। यहां पे टीएस इलियट वेस्टलैंड के लोग जो हैं उनके नजरिए से देख रहा है और उन्हीं के नजरिए से हमें बता रहा है कि स्प्रिंग का जो सीजन है वो एक तरह से नई जिंदगियों को जन्म देने वाला सीजन है। लेकिन वेस्टलैंड के लोग ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि नई जिंदगियों को जन्म मिले, वो ना तो खुद नई जिंदगियों को जन्म देना चाहते हैं और ना ही किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने विंटर के साथ ही बहुत खुश है, विंटर हमें गर्म रखता है और कुछ नहीं चाहिए। विंटर में इन लोगों को बहुत ही कंफर्ट मिलता है, फिजिकल एंजॉयमेंट मिलता है, जबकि इन लोगों की स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज मर चुकी है, ये लोग भुला चुके हैं उन्हें। और अप्रैल का मंथ मॉडर्न आदमी के लिए, जो कुछ भी मर चुका है वो अप्रैल का मंथ आकर के उसे जिंदा करता है, तो अप्रैल बहुत बुरा है, निर्दयी है। मॉडर्न आदमी के लिए नई जिंदगी से बढ़िया डेथ है। अच्छा, अगर यहां पे हम लोग चौसर की बात करें तो चौसर ने अपने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में अप्रैल को एक मंथ ऑफ स्वीट शावर्स बताया है, लेकिन यहां पे इलियट इसके बिल्कुल अपोजिट विंटर के सीजन को बेस्ट बताता है वेस्टलैंड के लिए।
क्योंकि विंटर के सीजन में इनको फिजिकल एंजॉयमेंट मिलती है, तो विंटर ही बेस्ट है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना, यहां पर इलियट काउंटेस मैरी के बारे में भी बताता है। काउंटेस मैरी एक जर्मन प्रिंसेस है, वो कहती है कि मैं रशियन नहीं हूं, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, मैं लिथुएनिया से आई हूं, ये एक जगह का नाम है लिथुएनिया, और एक रियल जर्मन हूं। तो काउंटेस मैरी यहां पर अपनी कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज को गिनवाती है। सबसे पहली मेमोरी तो वो गिनवाती है कि कैसे एक बार वो और उसका एक फ्रेंड, कोई फ्रेंड था, वो बारिश में फंस गए और फिर उन्हें एक छत के नीचे आकर के खड़ा होना पड़ा। फिर जैसे ही बारिश रुकी तो वो एक पब्लिक पार्क में गए, ये नाम है उस पब्लिक पार्क का, वहां पर उन लोगों ने एक घंटा कॉफी पी, गप्पे मारे। तो ये तो एक इवेंट हो गया। इसके अलावा काउंटेस मैरी अपनी लाइफ का दूसरा इवेंट बताती है कि जब वो एक बार अपने कजन के यहां पर रुकी हुई थी, आर्क ड्यूक नाम था उसके कजन का, वो दोनों बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर स्लेज, जो बर्फ में खींचने वाली गाड़ी होती है ना, उस पर बैठ करके सवारी करते थे। वो कहती है कि विंटर के सीजन में हम लोग गर्म रहने के लिए साउथ जाया करते थे। तो हमें इस जर्मन प्रिंसेस की बातों से क्या लग रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? ऐसे लग रहा है जैसे ये भी मॉडर्न सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव है जो फिजिकल एंजॉयमेंट की बातें कर रही है। दोस्तों ये एक तरह से ट्रेजिक सिचुएशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है। तभी तो इलियट कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के लोग एकदम दफनाई हुई लाशों की तरह है और कोई चांस नहीं है कि इनमें एक नई जिंदगी जन्म ले।